कम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमेज एनहेंसमेंट टेक्निक। यानी दो प्रकार की टेक्निक है, पहली ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग यानी खींचना, ठीक है। सेकंड वन इमेज थ्रेश होल्डिंग, नाम से पता चल रहा है दोनों को, और आगे दोनों की बात करूंगा। तो देखो इसको क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि आप क्वालिटी को बढ़ा सको, स्ट्रेच कर सको उसको, क्वालिटी को एनहेंस कर सको, तो आपकी इसकी यूज किया जा रहा है। अगर इमेज थ्रेश होल्डिंग की बात करूँ तो आपको अगर बाइनरी आउटपुट इमेज चाहिए तो आप इसको यूज करो। ये एक ही बार अप्लाई होती है इनपुट इमेज के ऊपर, वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन बाइनरी आउटपुट इमेज किसके ऊपर बेस्ड होती है, के ऊपर, ठीक है। ये बंदा भी के पर होता है, लेकिन देखो अगर आर की वैल्यू के से कम हुई तो क्या होता है, यहाँ पर नैरो रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल टूवर्ड डार्क रीजन, यानी डार्क रीजन की ओर बढ़ जाएगा अगर आर की वैल्यू के से कम हुई। अगर आर की वैल्यू के से ज़्यादा हुई तो किसकी ओर बढ़ जाएगा, ब्राइटर रीजन की ओर बढ़ जाएगा। इसको क्यों यूज किया जा रहा है, स्ट्रेचिंग को, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग को, ताकि अपन इंक्रीज कर सके डायनेमिक रेंज ऑफ द मॉडिफाइड इमेज, इमेज की डायनेमिक रेंज को बढ़ा दिया जाए। अगर डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करूँ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो यहां पे देखो आर की वैल्यू के से कम है तो किसकी ओर बढ़ रहा है, ये डार्क रीजन की ओर। अगर आर की वैल्यू के से ज्यादा है तो किसकी ओर बढ़ रहा है, ब्राइटर रीजन की ओर। तो ये क्या पे दिख रहा है, ब्राइटर दिख रहा है ना, तो बस यही खेल है, ये डायग्राम बना गया, जो नंबर बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यहां पे देखिए यहां पर क्या है, अगर आर की वैल्यू के से कम है तो असाइंड विद द ब्लैक इंटेंसिटी लेवल, सीधा बोल रहे हैं अगर आर की वैल्यू के से कम है तो ये ब्लैक यानी डार्क की ओर चल जाओ, अगर R की वैल्यू के से ज़्यादा है तो सिंपली वाइट इंटेंसिटी लेवल, ये आ गया वाइट की तरफ, आया समझ में। और अगर एक्स्ट्रा रेंज की बात करूँ, देखो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग ज़्यादा डीप में, कई बार इसमें डिफरेंशिएट ना पूछ के केवल ये पूछ लिया जाता है, तो इसमें आप पूरा बना के आओगे डायग्राम, साथ ही साथ ये डेफिनेशन लिखोगे कि इट एक्सपेंड रेंज ऑफ द इंटेंसिटी लेवल इन द इमेज सो रेट इट स्पैन द फुल इंटेंसिटी रेंज ऑफ द रिकॉर्डिंग मीडियम एंड डिस्प्ले डिवाइस। कहने का अर्थ है ये रेंज को बढ़ा रहा है, क्वालिटी को बढ़ा रहा है इमेज की, ये आपको बताना है। आप देखो डायग्राम देखो, देख पा रहे हो कितना अंतर है, 1 2 3 4 धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट वाला डायग्राम ना, ये भी बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये आर के ऊपर डिपेंड करके बनाया जाता है, आर वन आर टू ऐसे करके अलग अलग रीजन के केस के अंदर, और ये जो चीज़ है एक्चुअली ऐसी तो बन रहा है सबके अंदर, तो वो चीज़ देखने लायक है। और एक चीज़ समझ में आ रही है आपको इसमें, जैसे जैसे डार्क होता जा रहा है ये, ओके। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में होगा क्या होता है, आखिर इमेज एनहेंसमेंट टेक्निक पूछ ली जाए तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या है, इमेज थ्रेश होल्डिंग, दोनों को बता के आराम से नंबर गेन किया जा सकता है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, कोई डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। जल्द हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।